नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टिपना न्यूज और डब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं कैंपस परिसर के परिसर में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे नमो युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये जो भव्य दिव्य ऐसी मंच दिखाई दिया है, ये सम्मेलन के लिए तैयार किया गया मंच है। और इधर देखिए आप, यहाँ पे सभी तमाम जो है जो युवाएं दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक हजारों की संख्या में यहाँ पे युवाएं दिखाई दे रहे हैं, ये सम्मेलन में आए हैं। ये सम्मेलन जो नेता है, युवा नेता है, उनका जो है मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। और भारत माता की जय नारे यहाँ लगे हैं और यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े जो कटआउट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ युवाएं दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ युवाओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए युवाएं, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ युवा दिखाई दे रहे हैं। ये मैं कटआउट दिखाऊंगा, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कटआउट है, अमित शाह जी का कटआउट है, नितिन गडकरी जी का कटआउट है और बावनकुड़ी जी का भी कटआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए पूरे यहाँ पे जो कमल के जो फ्लैग्स है वो भी यहाँ लगे हुए हैं और पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। आखिरी दूर तक के दिखाइए, देखिए युवाओं का ये महासम्मेलन है, नमो महासम्मेलन है युवाओं का। और हजारों की तादाद में यहाँ पे पूरे विदर्भ से ही नहीं, महाराष्ट्र से ही नहीं तो महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे युवाएं यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे नमो युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले हैं, यहाँ पे जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, यहाँ पर युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले हैं। और ये जो सम्मेलन है नागपुर महाराष्ट्र के, ये जो कैंपस परिसर है, कैंपस परिसर में ये सम्मेलन है। ये भव्य दिव्य ऐसी ये मैदान है, आपको बताऊंगा। और इसी मैदान में ये नमो युवा महासम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नमो युवा महासम्मेलन है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला दिखाई दे रहा है, पूर्णाकृति पुतला दिखाई दे रहा है, भारत माता की फ़ोटो दिखाई दे रही है, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो दिखाई और तमाम महापुरुषों की फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं ये जो है ये नमो युवा महासम्मेलन है, ये नमो युवा महासम्मेलन है और ये सभी तमाम दूर दूर से अलग अलग प्रांत से यहाँ पे जो है युवाएं आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस जो बंदोबस्त है, ऐसी तगड़ा ऐसी पुलिस बंदोबस्त है। मीडिया के लिए भी एक अलग विंग बनाया गया है, ये मीडिया का विंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और अभी कुछ ही समय में इस नमो युवा महासम्मेलन को शुरुआत होने वाली है। हम कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे कि जो इस नमो युवा महासम्मेलन में शामिल हुए हैं, उन युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे कि युवा उनका क्या कहना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ये नमो युवा महासम्मेलन के करीबी एक रंगोली निकाली गई है और आप देख सकते हैं रंगोली में मोदी जी का जो है, रंगोली से मोदी जी का छायाचित्र बनाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है नमो युवा महासम्मेलन 2024। और फिर एक बार मोदी सरकार ऐसी यहाँ पे लिखा गया है। ये मैं इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है जो ये जो
नमो युवा महासम्मेलन है, यहाँ पे किस प्रकार से ये तैयारियां की गई है और अभी कुछ ही क्षणों में ये महासम्मेलन को संबोधित करेंगे जो नेता लोग हैं वो संबोधित करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा ये इस सम्मेलन में जो युवाएं शामिल हुए हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि ये नमो युवा महासम्मेलन में देखिए ये तमाम ये जो है युवाएं यहाँ पे बैठे हुए है, ये देख सकते यानी बीजेपी की कैप इनके सर पे दिखाई दे रही है और सभी युवा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आप, कहाँ से आए? बालाजी कच्छ में, परभणी से। परभणी से आए, क्या बताना चाहूंगे आप सम्मेलन में आए हो? अभी जो समझो पूरे भारत के युवा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं के लिए काम किया है और जो युवाओं के युवा नरेंद्र मोदी या बीजेपी से प्रेरित है, सभी युवा पूरे भारत से, भारतवर्ष से 1,00,000 युवा अभी यहाँ पे सम्मेलन में आए हैं। 1,00,000 युवा इस सम्मेलन में आए हैं, ऐसी कहना है। आप क्या बताना चाहोगे, आप सम्मेलन में आए हो, क्या बताना चाहोगे? हम खाली मोदी सरकार को आपकी बार निकला है यहाँ पर। कहाँ से आए हो? लातूर से आए, मराठवाड़ा। आप क्या बताना चाहोगे? फिर एक बार मोदी सरकार। आप कहाँ से आए? लातूर आलो, लातूर से। आप इस सम्मेलन में आए हो, क्या बताना चाहोगे? यहाँ पे हम नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम इस नमो युवा महासम्मेलन में आए हैं, ऐसी कहना इन लोगों का है। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो? हम आरवी से आए। कहाँ से? आरवी से, आरवी वर्धा जिला। क्या बताओगे आप? इसके बाद में अभी जो होने वाले चुनाव है उसमें 400 पार करना है, मोदी जी को एक बार और पीएम बनाना है। मोदी जी को एक बार फिर पीएम बनाना है, इसी यहाँ पे जो नमो युवा महासम्मेलन में शामिल हुए उन लोगों का कहना है। आप कहाँ से आए? नागपुर से। क्या बताना चाहोगे? सब लोगों को नहीं, क्या देखना चाहेंगे हम? सब युवा लोगों को देखना चाहेंगे आगे क्या करते हैं। आप देखने आए इसे? नहीं, कार्य कौन सा है, क्या करेंगे आगे वो देखेंगे। ये जो नमो युवा महासम्मेलन है यहाँ से पूरे देश से यहाँ पे युवा आए हैं, यहाँ पे युवतियाँ भी दिखाई दे रही है और पूरे देश से। आप कहाँ से आए हैं? अमरावती से। अमरावती से। क्या बताना चाहोगे? हम नवनीत राणा के सपोर्ट से आए हैं यहाँ पर, उनके सपोर्ट करने के लिए और उनकी जो टीम है पूरी, हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, नवनीत राणा जी को सपोर्ट करने आए हैं? यस, उनके साथ। कितने लोग आए अमरावती से? हम लोग 10,000 तो है, उससे ज्यादा हो सकते हैं। नवनीत राणा जी भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, ये तो उनका डिसीजन होना चाहिए, मेरा नहीं। आपका क्या? जो भी डिसीजन होगा हम उस चीज को सपोर्ट करेंगे। आप क्या बताना चाहोगे? आप कहाँ से? अमरावती से, नवनीत भाभी के साथ। अभी इस युवा सम्मेलन से क्या आपको यानी क्या चाहिए? युवा सम्मेलन में आए हो आप, सम्मेलन में आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारी पता चलेगा, बीजेपी का भी पता चलेगा, हमारी भाभी क्या डिसीजन लेती है, भाभी के साथ हम है, जहाँ भाभी रहेंगे उनके साथ। मैं बताना चाहूँगा कि जो नवनीत राणा जो अमरावती खासदार है वहाँ से भी लोग आए हैं और उनके सपोर्टर है नवनीत राणा जी के, उनके सपोर्टर है नवनीत राणा जी के। क्या बताना चाहोगे आप? कहाँ से आए आप? हम वरुड़ से आए, अमरावती वरुड़ से। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के, अभी इतना बड़ा कार्यक्रम हमने पहली बार देखा, पहली बार पहुँचे, काफी खुशी हुई कि अपना बीजेपी का कार्यक्रम इतना बड़ा होता है, हमें बहुत अच्छा लगा। और हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी ही आएंगे। पीएम मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा कहना है, अभी अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन में भी काफी मदद की हमारी उन्होंने, काफी अच्छा है, अभी और आगे हम उनको ही लाएंगे, बीजेपी ही आएंगे। युवा युवाओं के जो है ये जो नमो युवा महासम्मेलन में जो युवा आया है उनका कहना है कि फिर एक बार मोदी सरकार देश में आएगी, ऐसे उनका कहना है। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा और भी कुछ युवाओं से मैं बात करूँगा। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? उजवाड़ा से। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? छिंदवाड़ा। क्या बताना चाहोगे? आज सम्मेलन में आए हो, काहे के लिए आए हो?
ये कुछ युवाओं को नहीं मालूम है कि ये आए तो है लेकिन उन्हें नहीं मालूम है, आपका क्या कहना है? क्या कहेंगे जी? सम्मेलन में आए हो? हाँ। क्यों आए हो आप? युवा आए हैं लेकिन वो कुछ भी कहना नहीं चाह रहे। ये नमो युवा महासम्मेलन है और यहाँ पे तगड़ा इसी बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं पुलिस विभाग का तगड़ा इसी बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है। आपका क्या नाम है? हर्ष विनोद कुमार मोदी। इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है युवाओं का, क्या कहना चाहोगे आप? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से संपूर्ण भारत देश में युवाओं को मंच प्रदान करने का काम किया है, उसी के माध्यम से आज संघ भूमि में भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के लिए एक मंच प्रदान करने का पूरे भारत ये आज देख रहा है संघ भूमि की ओर से। और युवा मोर्चा खासकर 18 से 35 वर्षों के युवाओं के संदर्भ में आज यहाँ बहुत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये यहाँ पे कहाँ कहाँ से युवा आया है? यहाँ पूरे भारत अखंड भारत से यहाँ लोग आए, कन्याकुमारी से लेके तो दिल्ली से लेके केरला कर्नाटक उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पूरे पूरे प्रांत पूरे देश से लोग आए। पीएम मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री है, आज 9 साल हो गए, ये 10 साल हो गए अभी पूरे होने जा रहे हैं, क्या लगता है ऐसी 5 कार्य बताए जो पीएम मोदी जी ने युवाओं के लिए किया है? आज हमारे सबके हृदय में श्री राम बसते हैं, आज श्री राम जैसा बड़ा मंदिर का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। युवाओं के लिए बताइए क्या काम? ये युवाओं का आराधना का स्तर का प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम जो है वो मंदिर का है, उसके बाद युवाओं को रोजगार देने के संदर्भ में मुद्रा लोन के अंदर में उन्होंने काम किया, मेक इन इंडिया के अंदर में युवाओं को काम किया, ग्लोबलाइजेशन बनाने के लिए काम किया, मेक इन इंडिया बनाने के लिए काम किया, ऐसे अनेक युवाओं के संदर्भ में यहाँ पे काम किया। खासकर विश्वकर्मा अटल योजना के माध्यम से जो युवा बेरोजगार घूम रहे वो रोजगार देने का काम किया। देश के कितने बेरोजगारों को 9-10 साल में रोजगार मिला है? इसका समुचित आंकड़ा तो नहीं है लेकिन अंदाजा 4 करोड़ के आसपास युवाओं को यहाँ रोजगार देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी। 4 करोड़ मालूम है कितना होता है? जी बिल्कुल मालूम है, सही में मिला है बिल्कुल। आज अगर आप मुद्रा लोन की फाइल उठा के देखेंगे पूरे भारत वर्ष की विश्वकर्मा की योजना की उठा के देखेंगे ऐसे अनेक योजना की अगर फाइल उठा के देखेंगे तो आज युवाओं को रोजगार के संदर्भ में मिला है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या कहना? प्राइवेटाइजेशन ये एक सरकारी यंत्रणा से काम करती है जो कि जब स्किल और डेवलपमेंट देश के अंदर में बढ़ाना है तो उसको प्राइवेटाइजेशन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आज कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन करके उसके कंट्रोल सारी ये भारत सरकार के हाथ में है, ताकि डेवलप निरंतर ये सरकार के हाथ में, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी वो मालिक नहीं है सरकारी मालिक है, और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में जो उसका देखभाल है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से हो रही है। अब सेना 4 साल ही काम करेगी तो क्या सेना के ऊपर भी दबाव रहना चाहिए सरकार का? देखिए देश की सेना, हमारे देश की सेना जी क्या विचार है उसके बारे में आप? ऐसा कुछ नहीं, देश की सेना निरंतर रूप से भारत के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में भी देश के लिए काम कर रही है। हम देखते हैं सभी क्षेत्रों में, अगर सेना की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा किया है और दिन ब दिन प्रगति होती जा रही है। आप डिफेंस के बारे में बात करें, आर्मी के बारे में बात करें, महिलाओं को प्राधान्य देने की बात करें, देश के अंदर में निरंतर हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है और जो इंफ्रा है वो भी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं सेनाओं को जो सम्मान मिलने का काम कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि ये नागपुर महाराष्ट्र का कैंपस परिसर है, यहाँ पर जो है नमो युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और पूरे देश से यहाँ पे युवाएं आए हैं, और इस सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इन्हें मार्गदर्शन करेंगे, और यहाँ से वो अपने यहाँ के जो सम्मेलन में जो शामिल हुए युवा वो यहाँ से जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के उनके विचार अपने गांव तक के लेके जाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है युवाओं के लिए ये बताएगी। तो आप देखते रहिए IBM TV न्यूज WH News। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।